बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गैल्वानोमीटर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 से 4 बार ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। इस टॉपिक के जो मेन फीचर्स हैं, नंबर 1 पे इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपली, आपने ये वन लाइन डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ये वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्किंग प्रिंसिपल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल है। वो टॉर्क जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉज ऑफ थीटा। शेप वाइज देखा जाए तो लेबोरेटरी में आपको ये इंस्ट्रूमेंट नज़र आएगा जिसमें सेंटर में जी लिखा होगा और इसकी जो नीडल है वो बिल्कुल सेंटर में पॉइंटेड होगी और ऊपर जो है वो एंगल डिफ्लेक्शंस जो है वो मेंशन होगी। यानी हम गैल्वानोमीटर में करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसको चेक करते हैं। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन जो एज इट इज़ बुक में बनी हुई है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ कि आपके पास एक फिक्स्ड पार्ट है जहाँ से एक सस्पेंशन वायर जो है वो कनेक्टेड है। इसे एफ यानी फाइन मेटेलिक वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ एक मिरर कनेक्ट है एम। ये मिरर हम यूज़ करेंगे जब हम एंगल जो है उसकी कैलिब्रेशन करेंगे। फिर उसे आगे एक आयरन फ्रेम है जिसे डी से रिप्रेजेंट किया गया और इसके ऊपर एक कॉपर कॉयल जो है, यही फाइन मेटेलिक वायर जो है उसको वाउंड किया गया, जिसको आप टॉप व्यू में देख सकते हैं इस शेप में। ये वाइंडिंग ऑफ द वायर है जो इस आयरन सिलेंडर के ऊपर प्लेस्ड है। वाई आयरन सिलेंडर? क्योंकि साइडों पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगी आयरन की वजह से टूवर्ड्स द कॉयल। उससे आगे ये एक ई स्पायरल है जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। फर्दर इसकी क्लियर और पिक्चर की एक स्केल है मैग्नेटिक फील्ड का। ऊपर नीडल कनेक्टेड है आयरन सिलेंडर के टॉप पर, यहाँ पर ये वायर है, मैग्नेट है और इसी तरह एक स्प्रिंग है जो रीस्टोरिंग के लिए यूज हो सकता है और एक मैग्नेट दूसरी तरफ भी साउथ पोल जो है वो कनेक्टेड है। तो ये एक क्लियर पिक्चर है कि आप किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल को आपस में ओरिएंट करते हैं टू क्रिएट द गैल्वानोमीटर। इसके बाद द फाइन मेटेलिक सस्पेंशन वायर यूज्ड एज वन करंट लीड टू द कॉयल। एक साइड से करंट हम एंटर करते हैं, वो करंट कॉयल में एंटर होगा और कॉयल में एंटर होने के बाद वो करंट फिर सर्कुलेट करेगा इस कॉपर कॉयल में जो कि रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर प्लेस्ड है, और फिर वो करंट सर्कुलेट करने के बाद इस दूसरी करंट लीड से आउट ऑफ द गैल्वानोमीटर चला जाएगा। अब काम ये है कि जिस ड्यूरेशन में करंट इस कॉयल के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसी ड्यूरेशन में टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क एक्ट करेगा तो इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, जिस डिफ्लेक्शन से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें एक शॉर्ट सा एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जिसमें एक कॉयल में एक साइड से डायरेक्ट करंट हम एंटर करते हैं और एक साइड से वो करंट लीव करेगा। तो जैसे ही डायरेक्ट करंट अंदर एंटर होगा, गैल्वानोमीटर की नीडल हमें डिफ्लेक्शन शो करेगी, जस्ट लाइक दिस। डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर सकती है करंट डायरेक्शन पर। सिमिलरली मैंने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का जिक्र किया कि सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉयल टू मेक द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्गर नियर द कॉयल। अब स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर एक कॉयल है जो मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रही है और जब उस कॉयल में से करंट पास करेगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो एक्चुअल में कपल प्रोड्यूस होगा क्योंकि दोनों साइड्स पर फोर्स लगेगी। तो उस कपल को हम नाम देंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग कपल भी कह सकते हैं आप इसको। जैसे यहाँ पर एक इमेज में शो किया गया है कि एक कपल क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉयल की दोनों साइड्स पर एक तरफ से करंट एंटर हो रहा है, एक तरफ से लीव कर रहा है। तो एक तरफ से फोर्स लेट से अपवर्ड है तो एक तरफ से फोर्स डाउनवर्ड है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म्स अ कपल। सो व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द कॉयल इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कपल व्हिच टेंड टू रोटेट द कॉयल। दिस इज नेम्ड एज डिफ्लेक्टिंग कपल। इट इज गिवन बाय नायाब कॉस थीटा। अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा कि प्लेन ऑफ कॉयल को अगर कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया जाए कि वो हमेशा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रहे, तो हम थीटा को जो है जीरो एज्यूम करके कॉस थीटा की वैल्यू 1 एज्यूम कर सकते हैं। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन आई ए बी यानी मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन यहाँ से आपने याद कर लेनी।
अगली स्लाइड पर जाने से पहले आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जेन में रखना है कि वो टॉर्क जो डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा वो है एन आई ए बी। अब स्टूडेंट्स चूंकि यहां पर आपने ये स्प्रिंग जैसी शेप भी आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल डिम सी एक स्प्रिंग शेप है, तो जब कॉयल में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो इस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस कॉयल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर रिस्टोर करेगी। तो वो टॉर्क जो कॉयल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर करेगा उसे हम नाम देंगे रिस्टोरिंग टॉर्क का। जैसे यहाँ पर मैंने एक जस्ट आर्बिट्रेरी सा इमेज दिया है कि किस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और कैसे उसमें रिस्टोरेशन जो है वो क्रिएट होगी। सो इस इमेज को देखकर आप रिस्टोरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। सो एज द कॉयल टर्न्स अंडर द एक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कपल इट इज ट्विस्टेड विच गिव राइज टू अ टॉर्शनल कपल। और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं टॉर्शनल कपल का। इट टेंड्स टू अनट्विस्ट द सस्पेंशन एंड रिस्टोर द कॉयल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये ट्विस्ट को अनट्विस्ट करेगा और कॉयल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करेगा। दिस इज नेम्ड एज रिस्टोरिंग टॉर्क। अब ये जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। ग्रेटर द एंगल ग्रेटर विल बी द रिस्टोरेशन। और यहाँ पर जो कांस्टेंट सी है इसे टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, या टॉर्शनल कपल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये वायर पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि जो टॉर्शनल कांस्टेंट सी है, द कांस्टेंट सी इज नोन एज टॉर्शनल कपल। इट इज डिफाइंड एज कपल फॉर अ यूनिट ट्विस्ट। इसकी डिपेंडेंस किन चीज़ों पर है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटेलिक वायर। It's inversely proportional to the length of wire and it is directly proportional to the area of wire. यानी अगर हमें ये constant जो है इस constant की value हमें decrease करनी पड़े तो हमें length जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और area जो है वो कम करना पड़ेगा। अब एक हमारे पास हो गया applied torque या जो main torque है हमारे पास जिससे coil rotate करती है, और एक हो गया restoring torque। अब हमें इन दोनों का इक्विलिब्रियम रिक्वायर है। सो अप्लाइड टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी एन आई ए बी जो अप्लाइड टॉर्क था या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो इक्वल होना चाहिए रिस्टोरिंग टॉर्क के। अब हमें रिलेशन किन दो क्वांटिटीज के दरमियान चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए करंट और एंगल के दरमियान, क्योंकि हमने डिटेक्ट करना करंट को बाय डिफ्लेक्शन। तो हम सी को डिवाइड कर देंगे ए बी और एन के फैक्टर से, तो सी ओवर बी ए एन। ये अगर सारा फैक्टर कॉन्स्टेंट रखा जाए तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यानी ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। सो यहां तक आई इज इक्वल टू सी ओवर बैन थीटा। कैसे इक्वेशन बनी है? इक्विलिब्रियम से। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये चीज डिस्कस करते हैं कि कोई भी गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव होता है या सेंसिटिविटी क्या होती है। देखिए अगर बिल्कुल कम से कम करंट पर भी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इट मींस गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सवाल ये पैदा होता है कि गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बनाया जाए। सो यहाँ पर आप एक रोता हुआ शख्स देख रहे हैं, ये जस्ट इमेज है कि आपको सेंसिटिविटी का ख्याल रहे कि हम सेंसिटिव बनाने जा रहे हैं। फिर इसी तरह ये एक फ्लावर है जिसके बहुत सेंसिटिव से पेटल्स हैं, तो सेंसिटिविटी क्या है? कम से कम करंट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन कैसे हासिल की जाए। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द करंट इन माइक्रो एम्पेयर्स रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन अ स्केल प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, इसको एज इट इज आपने याद कर लेना है। अब सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? थीटा ओवर आई, एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेम वही इक्वेशन जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी है उसमें से आपने रेशियो बना लेनी है थीटा की और आई की। थीटा ओवर आई की रेशियो बनेगी बी ए एन ओवर सी। सो एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, ये है सेंसिटिविटी। और अब सेंसिटिविटी की डिपेंडेंस किन चीजों पर है? मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया ऑफ कॉयल पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर और टॉर्शनल कॉन्स्टेंट सी पर। सो हाउ टू मेक अ लेस सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर अ मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, उसके लिए हमें इन चार फैक्टर्स में रद्दो बदल करना पड़ेगा। लेकिन जो फैक्टर्स इक्वल जो फैक्टर्स ऊपर यानी न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी और सी टॉर्शनल कांस्टेंट को डिक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी।
सो बैन फैक्टर शुड बी इंक्रीज्ड एंड टॉर्शनल कॉन्स्टेंट शुड बी डिक्रीज्ड। अब अगर हम टॉर्शनल कॉन्स्टेंट को चेंज करते हैं तो वायर की प्रॉपर्टीज उससे डिस्टर्ब होती, एन इंक्रीज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर हैवी हो जाएगा, ए इंक्रीज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं तो उससे ओवरऑल ज्योमेट्री पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा बेस्ट वे टू मेक अ गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव इज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑनवर्ड अब हम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टॉपिक। यहाँ तक सेंसिटिविटी है थीटा ओवर आई, एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, एंड इट इज इक्वल टू बी ए एन ओवर सी। अब आते हैं एंगल मेजरमेंट्स पर। तो ये दो मेथड्स आपकी बुक में मेंशन है। लैम्प स्केल अरेंजमेंट जो है ये एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसमें क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर की नीडल में ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है तो याद होगा कि जो मिरर यहाँ पे प्लेस था उस पर एक मीटर के डिस्टेंस से एक लाइट इंसिडेंट की जाती है, वो लाइट फिर उस एक मीटर अवे एक मीटर रॉड पर इंसिडेंट होती। तो जितनी मिरर में डिफ्लेक्शन होगी उतनी ही लाइट भी डिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से हम जो है एंगल मेजरमेंट का कैलिब्रेशन जो है वो डिवेलप कर सकते हैं। तो ये लैम्प स्केल अरेंजमेंट है, सिंपली एक रॉ स्ट्रक्चर है एंगल मेजरमेंट के लिए। फिर जो गैल्वेनोमीटर लैब्स में यूज होता है वो मोस्टली पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर है। इसमें यहाँ पर ज्यूल्ड बेयरिंग्स होते हैं जो अक्सर खिलौनों में भी होते हैं। इन ज्यूल्ड बेयरिंग्स में रीस्टोरिंग एबिलिटी होती और ये एज अ करंट लीड भी काम करती है। इनमें एक साइड से करंट एंटर होता है और एक साइड से करंट लीव करता है। तो ये रहे एंगल मेजरमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉइल। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉइल में ये इमेजेस प्लेस करने की क्या जरूरत थी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल से जब हम करंट जीरो कर देते हैं तो नीडल अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आने से पहले कई मरतबा जो है वो ऑसिलेट करती, यानी रेस्ट पर फौरन नहीं आती, रेस्ट पर आने से पहले कई मरतबा ऑसिलेट करती। सो कॉइल डज नॉट कम टू रेस्ट आफ्टर द करंट इज डिसकंटिन्यूड, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ड्यूरिंग दैट इफ करंट इज अगेन सप्लाइड द कॉइल शूट बियॉन्ड द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब देखें, कई मरतबा आपको बड़ा स्पीडली एक्सपेरिमेंट करना हो तो अगर आप करंट जीरो करते हैं और कॉइल स्टिल ऑसिलेट कर रही है और उसके ऑसिलेशन की ड्यूरेशन में आपने दोबारा से करंट अप्लाई किया है तो कॉइल फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी शूट आउट कर जाएगी, उससे भी आगे निकल जाएगी, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट करंट जो है उसकी वैल्यू या उसकी डिफ्लेक्शन मेजरमेंट नहीं हो सकेगी। सो हमें अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो गैल्वेनोमीटर चाहिए है उसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये एक इमेज से आप इसको जरा याद रख सकते हैं कि ये बीटिंग पर्सन है, ये डेड बॉडीज हैं। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर का जो वर्ड आपने याद रखना है, तो सच अ गैल्वेनोमीटर इन विच कॉयल कम्स टू रेस्ट राइट आफ्टर करंट इज स्टॉप्ड इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इट विल हैपन बिकॉज ऑफ द लेंजेज लॉ। तो लेंजेज लॉ जो है वो चैप्टर 15 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था गैल्वेनोमीटर। समरी इसकी ये है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क का इक्विलिब्रियम क्रिएट करना, वहीं से सेंसिटिविटी डिफाइन करनी है, वहीं से स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है और वहीं से डेड बीट गैल्वेनोमीटर को डिफाइन करना। तो ये था गैल्वेनोमीटर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।